हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं कब से ही रेडी हो गई हूँ, पर मैंने आज व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करी थी। तो पूजा वगैरह सब मेरे हो गई है और ब्रेकफास्ट भी हो गया है, तो अभी जाते हैं मंदिर। और आज है मेरा सोमवार का व्रत, जो कि मैं कुछ हफ्तों से कर रही हूँ, लगभग 8-1 हफ्ते हो गए। मेरे सोमवार का व्रत है आज, तो मंदिर जाके आ जाते हैं। जैसे कि मंदिर को कर दिया है हमने हमारे रूटीन में ऐड, तो मंदिर जाके आके फिर आपसे मिलते हैं। आ गई हूँ मंदिर से और आके कर रही हूँ मिट्टू का पिंजरा साफ। बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था, तो ये इतना सारा नीचे से कचरा निकला है। और इनके अखबार की तो क्या ही इन्होंने हालत की थी। प्लास्टिक हम इसलिए नहीं बिछाते क्योंकि प्लास्टिक को भी ये काट देते हैं, तो प्लास्टिक तो मुँह में जाएगा, अखबार तो ये कतरते ही रहते हैं पूरा दिन। तो अभी इनका पिंजरा वगैरह मैं क्लीन कर रही हूँ और इनके खाने में मैं क्या क्या रखती हूँ वो भी बताती हूँ। गाड़ी चालू हुई है इसलिए मिट्टू को लग रहा है कि जा रहे, इसलिए चिल्ला रहा है। जो इसकी प्लेट धुल के आ गई हूँ, अब इसको दे देते हैं हम खाना। और इसके खाने में क्या क्या दे, अब इसको खाने में क्या क्या दे रहे हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले ये भिगाए हुए चने हैं, एप्पल, उसको जल्दी हो गई है खाना दे दो, ये एप्पल, ये चने और ये पानी, और इसको मूंगफली भी देनी है। तो देखिए कैसे कैसे इसके मैं खाना रख रही हूँ अंदर। आज तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है सुबह से, क्या हो गया, लाई हो ना खाना। पैर में क्या फंसा है, क्या फंसा है पैर में। ये है पूरा इसके खाना, पानी भी इसको रख दिया है। बाजरी तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, बाजरी तो इनके ऑल टाइम फेवरेट है, खाते रहते हैं। और अभी मैं थोड़े से ये जो कपड़े पड़े हैं उनको समेट देती हूँ, बारिश आने की वजह से कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। लगभग 3 दिन के कपड़े कुछ हो गए हैं और सूख नहीं रहे, मेन तो चीज़ ये है। कपड़े समेट लिए हैं, अब थोड़ा सा कर देती हूँ रूम को अच्छे से अरेंज, क्योंकि सारा मैसी पड़ा हुआ है और खाना भी बनाना है। तो एक बार रूम को अरेंज कर देती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। लौकी और तोरी खा खा के हो गए हैं बोर, पर घर पे कुछ सब्ज़ी नहीं है और मुझे टाइम नहीं मैं सब्ज़ी लेने जा सकूं। अभी घर पे पड़ी हुई है लौकी। तो मेरे है आज व्रत, और सच बताऊँ आज मुझे बज गई हैं अभी लगभग 11:40 कुछ हो गए, पर मुझे खाना बनाने की 1% भी आज इच्छा नहीं है। और मेनली तो क्या हुआ है ना, मेरे इस फिंगर में हो रहा है पेन बहुत ज़ोरदार का, आज डॉक्टर को दिखा दूँ ऐसा सोच रही हूँ, आई होप सही हो जाए जल्दी से। तो लौकी बनेगी अभी और लौकी की बना रही हूँ मैं कुछ अलग सब्ज़ी। तो कल तो बनाई थी सिंग वाली लौकी, कल सुबह बनाई थी तोरी, और अभी बन रही है लौकी दही वाली। तो वो होप खाने में अच्छी लगे, और व्रत है तो लगता है ना यार थोड़ा खाना अच्छा हो। अभी मैं फटाफट से, मैं कोई इच्छा ही नहीं हो रही थी, मैं कब से यानी घर का कुछ और काम कर रही थी पर मुझे खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो अब खाना बना ही देती हूँ क्योंकि सलोन पे भी जाना है, जल्दी से छुट्टी ले लेती हूँ लौकी की। लौकी अभी तक कट करनी भी बाकी है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये मसाला पकेगा तब तक मैं लौकी कट कर दूँगी। और आटा तो मैंने गूँथ के रख दिया है, और चिकू हुई डाइट में है चने की रोटी, वो चने की रोटी, चने भी भिगो दिए थे, चने भी बॉईल हो गए, लगभग काम हो गया है। हालांकि
रोज मसाला चखने की आदत है तो भूल गई मैं व्रत है, मैं मसाला चख लिया, पर मसाला सिर्फ यहाँ तक ही गया था और फिर मैंने तुरंत कुल्ला करके आया। अभी जस्ट खाना खाया है और किचन में वगैरह सब मैं अभी अवेयर रही हूँ सारा, और अभी जस्ट मैंने यहाँ पर ही व्रत खोला था। ये सब ठिकाने पे लगा लेती हूँ, डाइनिंग टेबल साफ़ कर देती हूँ। इसी धूप निकली है तो कहीं कपड़े सूख जाएं, बाकी थोड़े थोड़े जो कपड़े सूख रहे हैं वो समेट समेट के रखे हैं आज। और इन भाई साहब ने पूरा पानी अंदर डोल के पूरा अखबार नीचे गीला कर दिया। क्यों कर रहे हैं और क्यों चिल्ला रहा है इतना? खाना दिया तो है, खा ले। अभी फाइनली सारे काम हो चुके हैं और भाई जी भी आ गए थे, बर्तन भी धुल गए, तो चलो अब चलते हैं शॉप पर। लेट तो काफ़ी हो गई, लगभग 2:10 हो गई है, पर जाना तो ज़रूरी है। शॉप पर चलते हैं और फिर शॉप पर जाके आपसे मिलते हैं। शॉप पर आ गई हूँ और जैसे कि वैक्स वगैरह करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाता है, तो ये सारा मैसी हो गया है, तो इसको हम अभी क्लीन कर रहे हैं। इसको कंप्लीट क्लीन करके फिर आपको दिखाएंगे। अभी थे कस्टमर्स तो अभी जस्ट निपटे हैं हम, 5:43 हो रही है और मेरी जो ये फिंगर है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, जॉइंट में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम बता के आ जाते हैं डॉक्टर को। तो चलिए डॉक्टर को बता के आके फिर आपसे मिलते हैं। मेरे हाथों का मैं दिखा के आ गई और ये शायद क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है, शायद मस्कुलर पेन है और उंगली भी मेरे को मेरी टेढ़ी टेढ़ी लग रही है। मेरी उंगली हालांकि टेढ़ी ही है पर टेढ़ी और ज़्यादा लग रही है मुझे, पर दवाइयाँ दी हैं तो उससे सही हो जाएगा। और मुझे कमर भी दुख रही थी 2 दिन पहले, तो वो सारा शायद कनेक्ट है। और अभी जा रही हूँ मैं सब्जियाँ लेने क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो गई है। आप खुद भी लौकी तोरी देख के बोर हो गए तो सोचा हम खा के कितने बोर हुए होंगे, तो आज जा रही हूँ मैं मार्केट। अभी आ गए जगबिया तो हम हमारे नवपंचाल ज्वेलर्स का थैला लेके जा रहे हैं सब्जी शॉपिंग पे, तो चलिए चलते हैं। अभी आई हूँ मैं कैमरा लेने क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी तो कैमरा भूल गई थी यहाँ पर ही, तो मैं और चिकू दोनों जने आए कैमरा लेने के लिए। और अभी मुझे ले जाना है पनीर, घी, तेल वगैरह सब ख़त्म है, तो चलिए इनकी कर लेती हूँ शॉपिंग और फिर जाती हूँ घर पे। और कैमरा भूल गई तो मुझे क्या, चिकू ने डाटा है जोरदार वाला, कैमरा कैसे भूल सकती हो? पर कैमरा भूल गई और भूली भी क्या थी, मेरे को यूँ था ना कहीं बारिश आ गई तो गीला हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं जगू भैया के साथ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए और कुछ भी सब्ज़ी नहीं मिली, सिर्फ भिंडी मिली है, भिंडी मिली और कच्चे केले मिले और ककोड़े करेले मिले, तो वही मिले हैं यार। अभी तो मुझे बनानी है पनीर की सब्ज़ी, तो चलिए घर पे। ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है और अभी जा रहे हैं पनीर लेने, चलो पनीर भी ले लेते हैं, आज तो ठीक शॉपिंग हो रही है। अभी मैं गई थी पनीर वगैरह लेने के लिए और सामान सारा लेने के लिए, तो बीच में कुछ बच्चे मिलके, मैं यानी उनको पहचानते नहीं हूँ पर क्या पता मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते होंगे, तो बोले हाय रोमा दीदी कैसे हो। बहुत अच्छा लगा देख के, यानी मज़ा आ गया, यानी कुल मिला के मेरा दिन बना दिया उन बच्चों ने, यानी कितनी खुशी हुई और चिकू को और हम दोनों को, सच में इतने प्यार से बोल रही थी। सॉरी यहाँ अंधेरा आ रहा है, अंदर जाके बात करते हैं। ये मैं पकड़ लेती हूँ, ये तुम अंदर रख दो। मिट्टू का किसने पंखा बंद कर दिया, पप्पा ने कर दिया होगा। पनीर सब्जियाँ सारी वॉश करनी है, मिट्टू के कान खत्म हो गई, सामान सैनिटाइज कर दिया, अब हैंड वॉश कर देती हूँ। अभी आई और अभी लगभग 6:30 हो रही है, तो अभी मैं फटाफट से बना देती हूँ खाना क्योंकि मेरे खाना नहीं है, चिकू और पापा के दोनों का ही खाना है, तो फटाफट से खाना बना देते हैं। और क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मैं गई थी पनीर लेने के लिए, यानी घर की शॉपिंग करने के लिए ही गए थे, तो वहाँ पर कुछ बच्चे गाड़ी में बैठ के, यानी मैं सीधा ही देख रही थी, मैं पीछे देख ही नहीं रही थी, तो वो कब से वेट कर रहे थे कब मुड़ेगी रोमा दीदी और हम बोलेंगे हाय रोमा दीदी, तो मैं जैसे ही मुड़ी तो हाय रोमा दीदी कैसे हो ऐसे, अब मैं उनको पहचानती नहीं और इतना प्यार से बोला उन्होंने, यानी सच बोलूँ मेरे दिल को यानी छू गई वो बात, यानी इतनी खुशी है मुझे। और सच बताऊँ पूरे मायने में यानी आज मेरा उन्होंने दिन बना दिया, भले दिन कैसा भी हो पर क्या स्माइल थी उनके, इतने खुश होकर मुझसे बात कर रहे थे, यानी मुझे कहीं ना कहीं लगा यार मेरी वजह से खुश है और वो मुझसे, यानी मैंने उनको हाय बोला तो वो इतने ज़्यादा खुश, जब तक मैं मेरी गाड़ी पूरी आगे तक नहीं गई तब तक बाय बाय करे ही जा रही थी और मैंने भी उनको किया, सच में मज़ा आ गया।
चलो ये सब तो ठीक है, अब खाना वगैरह बना लेते हैं। तो आते मैं तो रूम में नहीं घुसूंगी, अब तुरंत खाना ही बना लेती हूँ। क्या कर रहे हो, शूट कर रहे हो? डिस्क्राइब कर दो। मैं अभी बना रही हूँ मेरे लिए राजगीरे के आटे के पराठे, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, क्योंकि सुबह भी मैं प्रॉपर खा नहीं पाई थी और थकान की वजह से पेट पूजा करनी ज़रूरी हो गई है। तो एक तरफ बन रही है चाय और एक तरफ बन गए हैं पराठे, तो भूखे पेट मुझे नींद नहीं आती है। देख सकते हैं क्रिस्पी क्रंची पराठे बना के तैयार हैं हमारे, और एक तरफ मैं रख रही हूँ पापा के लिए दूध। क्या मैं प्लेट में चाय पीने वाली हूँ? मैं तो प्लेट में ठंडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को एकदम गर्म चाय पसंद नहीं है। चिकू के भी पचके हो गए। चिकू क्या कह रहे थे, तू बता कि तू चाय कैसे पी रही है, देसी तरीके से? कोई देसी नहीं, मैं ठंडी कर रही हूँ चाय। अभी मैं देख रही हूँ निखिल का व्लॉग और साथ में मेरी चाय और मेरा फलहार है वो एंजॉय कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं कर देती हूँ यहाँ पर व्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को कर देना प्रेस, और शॉप करो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कर देना डाउनलोड। ओके बाय, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल।